प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। क्या लड़की इधर छतरी लेके चल रहा है? नहीं, कभी कभी लड़के भी लेकर घूमते हैं। हाय, धूप में मेरा रंग काला हो गया तो, कहीं बारिश में मैं भीग गई तो? हाँ, आज ना धूप है और ना बारिश है, फिर भी छतरी लेके चल रहा है। ऐसे लोगों का काम दूसरों को परेशान करना ही होता है। बेस्ट है कि इनको इग्नोर करें। अब इस छाती को हमारी जिंदगी से जाना होगा। कल हाँ, मतलब नैना ने अब जब ठान लिया बिना मेरे सपोर्ट के ही, उससे जब ठान लिया था काफ़ी कुछ चेंज करने था मेरे अंदर, तो अब तो मैं भी नैना को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नैना पे पूरा विश्वास है कि 15 दिन का चैलेंज अगर मिला है तो नैना आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर पाएगी। और मुझे भी, मैं भी चाहता नहीं हूँ नैना को, कि ऑब्वियसली मैं उसको एक बार भेज चुका हूँ, अपनी हालत देख चुका हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वापस आने के बाद नैना वापस मेरी लाइफ से जाए। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नैना जो कह रही है मैं कर रहा हूँ, और 15 दिन का टाइम दिया है डैड ने, होपफुली नैना जीते, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद नैना मेरे साथ रहेगी, मेरी नर्स बन के नहीं, मेरी पत्नी रह के। तो हाँ, एक दो दिन निकल गए हैं, अब लगे हुए हम लोग कोशिश में। पहले म्यूजिक लव और अब ऑफिस लेकर आई है नैना, उसके बारे में बताइए, आप यहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, ऑफिस से मैं थोड़ा कतराता हूँ, जानती है मेरे को म्यूजिक का शौक है, बट वो म्यूजिक में पूरा सपोर्ट तो हमेशा करती है, बट भाई ने मेरे को सपोर्ट किया है, तो वो भी कह रही है कि भाई ने तो एक कुछ सोच समझ के तेरा डिसीजन लिया, आई थिंक इट्स टाइम कि तुझे ऑफिस भी जाना चाहिए, और मैं उनकी बात मान रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। भाई और नैना और बाकी सब लोग जो चाहते हैं मैं ऑफिस जाऊँ, तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँ, काम समझूँ, लेट्स सी क्या होता है। कोई कहीं ना कहीं आगे ये देखने मिलेगा कि आपको एलर्जी होने वाली है चीज़ों से? आप ये तो आइडिया नहीं है मुझे, एलर्जी कब होगी क्यों होगी, एलर्जी प्रॉब्लम तो है ही, वो तो किसी भी रीज़न से हो जाती है मुझे, तो अभी देखते हैं आगे एलर्जी होगी और होगी तो नैना कैसे उसको ठीक करेगी, क्योंकि वो भी ठीक करना है, वो भी पार्टी है 15 दिन का, तो लेट्स सी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे कल भी, कल के एपिसोड को लेके भी, जो मेरी मेघना और मेरी जो बात हुई है, जब मैंने उसको बोला नैना मुझे वापस दो, उसके लिए बहुत तारीफ आई है, मेरे जो सीन्स सबको पसंद आते हैं उसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सो आई एम रियली ग्लैड, मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं उस पर वर्क करूँगा, बट थैंक यू सो मच, यू गाइज़ आर वेरी स्वीट, आप लोग हमेशा हमारी बहुत केयर करते हो, इतने हम लोग मिले नहीं है फिर इवन देन, सो ऑल योर वर्ड्स मीन्स लॉट, थैंक यू सो मच फॉर द लव। अब इस छाती को हमारी जिंदगी से जाना होगा।